हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो योरसेल्फ। दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग केस स्टडी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स निपटा देंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो हाउ टू क्रैक CAIIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है ये, असेट इन डाउटफुल वन कैटेगरी यानी DA1, ये है 50,000। रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 40,000। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्रोविजन। पहले देखते हैं NPA क्या होता है। इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड असेट। जब बोरोअर रेगुलरली अपने ड्यूज पे करता रहता है तो ये स्टैंडर्ड असेट होता है। इसमें भी सेफर साइड रहने के लिए 0.40% का प्रोविजन रखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर या SME में दिए हुए लोन का प्रोविजन नहीं करते हैं स्टैंडर्ड एसेट के केस में। जब हमारा उधार दिया हुआ पैसा इंटरेस्ट देना बंद कर देता है या हमें ड्यूज वापस नहीं मिलते 90 दिन तक, तो उसे NPA कहते हैं। अगर यही सिचुएशन अगले 12 महीने या उससे कम समय तक रहती है तो इसे ही सब स्टैंडर्ड बोल देते हैं। यानी समय समय की बात है, उसी एसेट को NPA कह दिया, वही सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, कुछ भी हो सकता है। सब स्टैंडर्ड की प्रोविजनिंग भी याद कर लेते हैं। सिक्योर्ड लोन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 15%, अनसिक्योर्ड लोन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 25%। अब अगर यही 12 महीने और ऐसा ही पड़ा रहा तो ये डाउटफुल असेट बन जाता है, और अगर यही DA1 एक साल क्रॉस कर देता है तो ये DA2 बन जाता है। DA2 जब 3 साल का हो जाता है तो ये DA3 बनता है, और अगर ये DA3 आगे ऐसा ही पड़ा रहा तो ये लॉस्ट असेट बन जाता है। इन सब लोगों की प्रोविजनिंग याद कर ले रहे हैं। DA1 की है सिक्योर के लिए 25%, अनसिक्योर के लिए है 100%। DA2 का सिक्योर के लिए 40%, अनसिक्योर का 100%। DA3 का 100% सिक्योर एंड अनसिक्योर दोनों केस में। अपने लोग इतनी देर से प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। प्रोविजनिंग मतलब कुछ पैसे का बंदोबस्त करके रखना, कि अगर उधार का कुछ पैसा नहीं मिला तो प्रोविजन के पैसे से भरपाई कर देंगे। अब सवाल ये है कि प्रोविजन के लिए पैसा कहाँ से आता है। बैंक अपने प्रॉफिट में से पैसा देता है इसके लिए। माना 100 रुपये का उधार दिया और हमें लगता है कि 98 रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो 2 रुपये को हम प्रोविजनिंग करके रख देंगे। रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो हमने लोन के बदले सिक्योरिटी ले रखी है उसे बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो। अब अपने सवाल पर वापस चलते हैं। डाउटफुल है 50,000, सिक्योरिटी है 40,000 की, तो अनसिक्योर पोर्शन बचा 50,000 माइनस 40,000 यानी 10,000 का। DA1 में प्रोविजन सिक्योर का 25% और अनसिक्योर का 100% करते हैं, तो इसका मतलब हो गया 40,000 का 25% प्लस 10,000 का 100%,
इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 प्लस 10,000 यानी 20,000 प्रोविजन रखना पड़ेगा। अगला सवाल है ये, इसमें हमसे टोटल रिस्क वेटेड असेट्स यानी RWA पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू होती है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क का सम। हमारे पास फॉर्मूला है CAR इक्वल टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स। CAR दिया है 8, क्योंकि ये परसेंट होता है तो ये हो जाएगा 0.08 इक्वल टू 200 अपॉन रिस्क वेटेड असेट फॉर मार्केट रिस्क, यानी कि रिस्क वेटेड असेट की वैल्यू हो गई 200 अपॉन 0.08 यानी 2500। इसी तरह ऑपरेशनल रिस्क के लिए 0.08 इक्वल टू 100 अपॉन रिस्क वेटेड असेट ऑपरेशनल रिस्क वाला, तो ये हुआ 100 अपॉन 0.08। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1250 आ जाएगा। इसे ऊपर फॉर्मूला में रख देते हैं। रिस्क वेटेड असेट फॉर क्रेडिट रिस्क दिया था 5000 प्लस मार्केट का निकाला हमने 2500 प्लस ऑपरेशनल निकाला 1250, तो आंसर हो गया 8750। अब टीयर 1 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल लेते हैं। टीयर 1 कैपिटल है 500, टोटल रिस्क वेटेड असेट हमने निकाल ही लिया है 8750, तो टीयर 1 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया 500 अपॉन 8750 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 5.71%। अब टोटल कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी एलिजिबल टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड असेट। टीयर 2 की कैपिटल टीयर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए इसे मैक्स 500 तक ही ले सकते हैं 800 की जगह। तो ये हो गया 500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 8750 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा 11.42%। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करने के लिए और सबसे जल्दी देखने के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। लाइव डिस्कशन के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ते रहिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड बाय।